Hey guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new to my channel, then please take a moment to subscribe to my channel before watching this video. And I know I'm a little late for this video. For some reason I was not able to make that video, but I'm here with this video. I know you will love this outfit because it's specially dedicated for birthday dresses, party dresses एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज मुझे तो अच्छा लगा. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन सा ड्रेस सेलेक्ट किया है. प्लीज़ जाके ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना. अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो प्लीज़ यार जाके फॉलो कर लो. तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो वी कैन कनेक्ट ओवर इंस्टाग्राम. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसमें से एक ड्रेस है जो कि मुझे मिला जस्ट 178 रुपीज़ का, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी. तो सो वेट फॉर दैट ड्रेस. अभी मैं स्टार्ट करूंगी क्रीम ड्रेस से. नो मैं ये से स्टार्ट करती हूँ. सो दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट ह्यूज फैन ऑफ दिस ड्रेस, बट मुझे पिक्चर में काफ़ी अच्छा लग रहा था. पिक्चर भी मैं अटैच कर दूंगी इसमें, देख लेना. आई रियली लाइक दिस ड्रेस ऑन वेबसाइट, बट मुझ पर इतनी फ्लैटरिंग नहीं लग रही है बिकॉज ड्रेस लुक सो प्रिटी, द कलर इज सो प्रिटी. जिसको रेड कलर काफ़ी पसंद है दे कैन गो फॉर दिस वन. और जो मटेरियल है वो वेलवेट है, तो इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विथ दिस सो यू कैन गो फॉर दिस वन. सो इट्स काइंड ऑफ वन शोल्डर ड्रेस, और यहाँ से पूरा ये रच्ड पार्ट है जो कि काफ़ी ब्यूटिफुल लगता है. नीचे से लॉन्ग स्लिट है, शॉर्ट नहीं है, थोड़ा लॉन्ग स्लिट है, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. आपको वीडियो में समझ जाएगा बिकॉज इट्स टू लॉन्ग टू शो इन दिस फ्रेम. सो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसा लुक आने वाला है. आई रियली लाइक दिस, बट मुझे जस्ट वेलवेट वाला चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है. तो फॉर मटीरियल आई डोंट नो, मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, बट ये ठीक है, काफ़ी अच्छी मटीरियल है. लाइक वेलवेट जो भी है वो अच्छी क्वालिटी का वेलवेट है. जो गो फॉर दिस वन, जब अगर आपको वेलवेट के ड्रेसेस पहनने हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. मुझे बस वेलवेट से प्रॉब्लम है, अदरवाइज डिज़ाइन एवरीथिंग फिटिंग एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट. साइज चार्ट पढ़ के ही मंगवाती हूँ, कभी कभी वो रॉन्ग हो जाता है, बट कभी मोस्टली मेरे को मोस्टली मुझे काफ़ी अच्छे से फिट आती है. सो इसका साइज़ मैंने स्मॉल लिया था, और अगर आपको मेरे डिटेल्स चाहिए कि मेरा साइज़ क्या है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, या कमेंट करोगे तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी जो भी रिलेटेड रहेगा. सो आई रियली लाइक दिस, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस मटीरियल. तो आप नेक्स्ट इज़ काइंड ऑफ माई फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगा था. दिस इज़ दिस सो प्रिटी कलर, मुझे इतना अच्छा लगा. लाइक बेस्ट की स्किन टोन में, लाइक मेरे तरह अगर आप ब्राउन स्किन टोन हो तो आपके ऊपर ये बहुत सेक्सी लगेगा. मुझे ऐसा लगता है ब्राउन स्किन टोन के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे कलर्स. और स्लीव कुछ ऐसे ऑफ शोल्डर ड्रेस है ये, और स्लीव बैक में जिप है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट के लिए वो भी है. तो यू कैन ट्राई दिस वन, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा. एंड द मटीरियल इज़ सो शाइनी एंड शीक, इनसे काफ़ी अच्छी लगती है. मोस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस में यही डिज़ाइन देते हैं अभी. दिस वन इज़ माई फेवरेट वन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बारी थी मुझे तो इसलिए मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, आप ज़रूर लेना. एंड ब्राउन स्किन टोन के लिए तो ये परफेक्ट है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. जिप है पीछे से जो विजिबल भी नहीं होती है, एंड इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है. आगे से भी काफ़ी अच्छा, मतलब बस्टियर वाला लुक आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन एंड कंसिडर दिस वन एज योर बर्थडे ड्रेस. और भी मैंने वीडियो बनाया है, एज अब से एक ड्रेसेस दिखाई है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना. प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट. उसमें सबसे फेवरेट मेरा वाइट ड्रेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ ग्रीन कलर. थोड़े से ना बहुत टाइम हो गए इसको आके, तो इसलिए थोड़े इसकी पैकेजिंग ऐसे कुछ है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट. सो दिस इज़ अ बेसिक शॉर्ट ड्रेस, मुझे इतना फ्लैटरिंग नहीं लगा बिकॉज मेरी बॉडी टाइप पे थोड़ा फिटेड कपड़ा अच्छा लगता है, लूज इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज उससे मैं थोड़ी छोटी लगती हूँ हाइट में. ऐसा मतलब फैशन रूल समथिंग कुछ फॉलो करना पड़ता है रीज़न, बट ये मुझे बहुत सेक्सी लग रहा था. लाइक एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट अबाउट दिस. इसका क्वालिटी, इसका जो मटीरियल है वो काफ़ी रिच लग रहा था, और फोटो में काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पहनने पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइक ऐसे भी चीज़ें मुझे कुछ नया ट्राई करना था, दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया. और वैसे भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था पहनने के बाद. जस्ट अ बेसिक लॉन्ग शर्ट है, और उसके साथ दिस बेल्ट आ जाती है. आप बेल्ट से टाई कर लो अपने कमर पे, दैट्स इट.
बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड द साइज इज स्मॉल, एज यू कैन सी साइज स्मॉल है. आई रियली लाइक दिस. आप शर्ट के जैसे भी पहन सकते हो या शर्ट ड्रेस, एज अ शर्ट ड्रेस काफ़ी अच्छा लगेगा. मैंने जैसे स्टाइल किया आप वैसे स्टाइल कर लेना, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगने वाला है. एंड ये ना काफ़ी क्लासी वाइब देता है, एलिगेंट लुक वाला देता है, जो ज़्यादा शॉर्ट और ज़्यादा वैसा नहीं लगता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है. तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर, अगर आप मॉडर्स्ट फैशन फॉलो करते हो तो आप ऐसे चीज़ें ऐसे चीज़ें पर जा सकते हो, उसके उस पर काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत एलिगेंट वाइब आता है. तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. सो नेक्स्ट इज दिस व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. द ट्रेंड चल रहा है, ये वैसे ही सिमिलर है और बैकलेस है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि ये बैकलेस ड्रेस है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सेक्सी लग रहा था. बट इसमें एक पॉइंट है, द शोल्डर ये अच्छा लगा. ओवरऑल फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी रही है, बस ये छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे पैडेड है और पीछे से तो बैकलेस है. तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही है. मुझे इसको रिटर्न करना था बट ऑलरेडी मेरे को 10 days से ज़्यादा हो चुका था, तो मैं भूल गई उसका रिटर्न करना. तो मैंने इसको पहन लिया, ठीक है, बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट. अगर आपके पास कोई भी आइडिया है ना इसको फिक्स करने का, प्लीज़ लेट मी नो. और आप इसको मिनी ड्रेस भी, एज अ मिनी ड्रेस भी पहन सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी फिटेड वाला लुक है. तो आप इसको छोटा भी करके पहन सकते हो और लॉन्ग, एज अ लॉन्ग भी पहन सकते हो. मैंने तो एज अ लॉन्ग ड्रेस ही पहना था बिकॉज आई रियली लाइक दैट वे. तो और वैसे भी अभी वही चीज़ का ट्रेंड है. तो और एक चीज़ है, मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो अभी थोड़े से ट्रेंडीएस्ट क्लोथ है ना उसके ऊपर बनाने वाली हूँ. हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो कर देना, ये करना है. सो आता है ये ड्रेस पे. सो ये ड्रेस का मटेरियल फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी फिटिंग लगी, अनकम्फर्टेबल कहीं से भी नहीं है. जस्ट दिस थिंग इट्स लिटल वियर्ड, आई हैव टू फिक्स. अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ लेट मी नो. मुझे जैसे कि इसका जो भी प्राइस है, मेरे को कितने में मिला है, मुझे कितने में मिला है, मैं वो भी बता दूंगी. स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे कहीं शेयर कर दूंगी. सो मैं अटैच कर दूंगी बिकॉज अभी मुझे प्राइजेस याद नहीं होते हैं. तो आप वहाँ पे देख लेना जो भी प्राइजेस रहेगा. सब आते हैं लास्ट ड्रेस, चीपेस्ट ड्रेस, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट ड्रेस बोल सकते हैं इसको. मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि ये सच में आएगा, मुझे ऐसा लगा था. मेरे को और एक मैंने चीज़ पैंट या ट्राउज़र पैंट ऑर्डर किया था, मैंने और एक ट्राउज़र पैंट ऑर्डर किया था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और मुझे रिफ़ंड भी नहीं मिला था. सो मैंने ट्राई किया था रिफ़ंड के लिए बट मुझे मिला नहीं. और मैं बार बार मेल करते करते इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं बार बार उनको मेल करूं, तो मैंने जाने दिया. सो नेक्स्ट इज़ दिस ड्रेस. दिस इज़ अ फ्लोरल ड्रेस और ये ज़ारा का ड्यूप है. Can you believe this? And I got just for 178 rupees only. I can't believe this. Just 178 rupees का ये dress is far better deal than मतलब सरोजनी से भी सस्ता dress है. और ये बहुत ही long dress है, लैंकल से just थोड़ा ऊपर है, बहुत अच्छा dress है. And full stretchable है, like ये net का mesh का ही dress है. तो अंदर से भी एक mesh है और ऊपर से भी एक mesh है. I really like this dress. Fitting is so good. I really like this dress. I will अभी तो शायद आउट ऑफ स्टॉक है. सो मैंने इस पर ऑलरेडी एक शॉर्ट्स डाल दिया था बट इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले मुझे. तो मैंने सोचा इसमें भी इंक्लूड कर देती हूँ. आई डोंट नो ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका रहेगा बिकॉज इतनी कम प्राइस है और ये बचा तो नहीं होगा. जब हज़ार हज़ार की ड्रेसेस चली जा रही है आउट ऑफ स्टॉक तो ये तो कुछ भी नहीं है. तो ये तो मैं इसका लिंक अगर मुझे मिला तो दे दूँगी, अगर नहीं मिला तो समझ लेना वो सारे कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं. बिकॉज अभी अर्बैनिक पे जस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, जस्ट तुरंत वीडियो डाला और आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. आपको यू हैव टू बी क्विक बिकॉज अगर मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ तो वो फटाफट जाते हैं और वहाँ पे ले लेते हैं. तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है. जैसे वीडियो आएगी जाओ वीडियो देखो उसमें से जो पसंद आ रहा है डिस्क्रिप्शन में जाके उसको तुरंत ऑर्डर कर लो बिकॉज वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, बाद में आपको फिर मिलता नहीं है. तो आई कैंट हेल्प इट, लाइक आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मैं क्या ही कर लूँगी, राइट. तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने अगस्त में लिया था और मैं एक महीने बाद ये वीडियो डाल रही हूँ. सो ऑफकोर्स चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होगी. तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई रहेगी, मैं उसका लिंक डाल दूंगी. और अगर मुझे कुछ सिमिलर भी मिल गया तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी, डोंट वरी फॉर. एंड अगर आपने ये वीडियो में से आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको. सो दैट्स इट, आई होप मैंने सारा कवर अप कर लिया है. और मुझे प्लीज़ रेकमेंड करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, ये या अर्बैनिक का चाहिए, जो भी चाहिए प्लीज़ लेट मी नो. मैंने मीशो का भी मैंने एक रक्षाबंधन का हॉल का सोचा था बट मुझे टाइम नहीं मिला एंड मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे.
तो मैंने नहीं शूट किया बट मैंने शॉर्ट्स डाले सबके, तो प्लीज गो एंड चेक विथ लिंक्स है वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं लिंक्स अपलोड कर देती हूँ अपनी स्टोरीज पे, तो यू कैन फाइंड दैट ड्रेस ऑन इंस्टाग्राम. सो दैट्स इट, वी आर एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर. आई होप आपका दिन अच्छा जाए एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड. बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.